नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में 8 दिनों के अंदर अब चौथा पुल किशनगंज में गिर गया। बता दें कि पुल 13 साल पहले बनाया गया था और मॉनसून की बारिश आने के साथ ही पुल पानी में धस गया। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले सबसे पहले अररिया, फिर सिवान, फिर मोतिहारी और अब किशनगंज से पुल गिरने की खबर सामने आई है। वहीं किशनगंज में पुल धंसने की वजह से अब काफी लोगों को आने जाने में, आवागमन में दिक्कत हो रही है। वहीं अब लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बता दें ये पुल 13 साल पहले ही बनाया गया था। अभी मॉनसून की शुरुआत हुई ही है और कई जिलों में लगातार 8 दिनों के अंदर ये 4 पुल गिरने की खबर जो है सामने आ चुकी है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, लगातार हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड स्थित बांसबड़ी गांव के पास श्रवण चौक में नदी पर बना एक पुल बाढ़ के पानी में धंस गया। प्रशासन ने पुल के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद कर दिया है। जो पुल धंसा है वो 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। उसे 25 लाख रुपए की लागत से साल 2011 में बनाया गया था। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता श्रवण शाहनी ने इसे लेकर बताया कि हमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस बारे में विभाग को पूर्व में लिखित सूचना भी दी गई थी। बुधवार शाम में भी वो मौके पर निरीक्षण के लिए आए थे। बाद में आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया था। वहीं इसे लेकर सीओ ने बताया कि पुल गिरने के बाद सड़क पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और गार्ड की तैनाती की गई है। पुल पहले से कमजोर था, उस पर सिर्फ हल्के वाहनों की ही आवाजाही हो रही थी। इस हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची है। वहीं नेपाल के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान है। क्षेत्र से गुजरने वाली मड़िया नदी में बाढ़ आ गई। इस कारणवश पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया। बता दें कि बीते 18 जुलाई को पड़ोसी जिले अररिया में भी एक पुल ध्वस्त हुआ था, जिसके बाद 23 जून को पश्चिम चंपारण, 22 जून को सिवान और अब यहां की खबर सामने आई है। मेरा रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव।